हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आर्मी मेस न्यू रिक्रूटमेंट 2023-24 के बारे में, जिसकी आवेदन बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर्मी मेस न्यू रिक्रूटमेंट 2023-24 ओवरव्यू डिटेल्स चेक करेंगे। अगर हम एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की बात करें, यानी ऑर्गेनाइजेशन नेम की, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी MES की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए, ब्रेक एंड स्टोर ऑफिसर, सुपरवाइजर ब्रेक एंड स्टोर, ड्रगमैन, स्टोर कीपर, इन सभी पदों के लिए, MTS के पदों के लिए भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम एप्लीकेशन मोड की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा, यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41,822 पदों के लिए भर्ती रखी गई है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले हमें रिटर्न एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर हम आर्मी मेस नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप 18 से 23 साल तक के हैं, 10वीं पास की है, तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम आर्मी मेस न्यू रिक्रूटमेंट 2023-24 वैकेंसी वाइज डिटेल्स देखें तो सबसे पहले अगर हम आर्किटेक्ट कैडर की बात करें तो 44 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद अगर हम ब्रेक एंड स्टोर कीपर की बात करें तो 120 वैकेंसी, सुपरवाइजर एंड ब्रेक स्टोर की बात करें तो 534 वैकेंसी, ड्रगमैन की बात करें 944 वैकेंसी, स्टोर कीपर की अगर हम बात करें तो 1026 वैकेंसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की बात करें तो 11,316 वैकेंसी, मेट की अगर हम बात करें तो 27,920 वैकेंसी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 41,822 वैकेंसी रखी गई है। अगर हम आर्मी मेस न्यू रिक्रूटमेंट 2023-24 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल तक रखी गई है, यानी 18 से लेकर 30 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम आर्मी मेस न्यू रिक्रूटमेंट 2023-24 एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है। अगर हम SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की बात करें तो 0 फीस, यानी कोई भी फीस पे नहीं करना है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो हमारा पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा, यानी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना फीस पे कर पाएंगे। अगर हम आर्मी मेस न्यू रिक्रूटमेंट 2023-24 सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले पार्ट में हमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रिजॉइनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। अगर हम सेकेंड पार्ट्स की बात करें तो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए रखी गई है। तीसरे पार्ट्स की अगर हम बात करें तो नॉमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए रखी गई है। अगर हम चौथे पार्ट्स की बात करें तो स्पेशलाइज्ड टॉपिक के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए रखी गई है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन 125 मार्क्स के लिए रखी गई है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट्स के लिए एग्जाम रखी जाएगी। उसके बाद 40 मिनट्स फिजिकली हैंडीकैप रखी जाएगी। अगर आप भी आर्मी मेस के फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।